असलम जी आज हम आपके साथ एक और वीडियो लेकर आए हैं जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कंट्रोलर को कैसे सेट करना है और एक हमारी सेटिंग टाइमिंग की सेटिंग है जो कि थोड़ी सी लंबी सेटिंग होती है लेकिन इसमें आप गीज़र अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल कस्टमाइज़ करके चला सकते हैं और जो पहले आपको सेटिंग्स एक्सप्लेन की गई थी जिसमें कॉन्सटेंट वाटर था या कॉन्टें कॉन्स्टेंट हीटिंग था उसके ऑन टॉप एक आपकी सेटिंग आती है कंट्रोलर के अंदर टाइमिंग की जो कि आप आ, अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं तो आज हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि टाइमिंग में आ, किस तरह कंट्रोलर सेट होता है और आ, आ, इस आ, आप इसमें तीन टाइम बेसिकली तीन टाइम आप इसमें हीटिंग के सेट कर सकते हैं और उन तीन टाइमिंग के ऊपर ही हीटर ऑन होगा और जो आपने इसमें इनपुट दी होगी टेम्परेचर की उन तीन उस टाइम पे उस टेम्परेचर का पानी आपको वो अचीव करके देगा सेकेंडली तीन टाइम पानी भरने के आप सेट कर सकते हैं और उसमें आपसे पूछेगा कि आपने उसमें कितना पानी भरना है तो वो आप अपनी मर्जी से टाइम सेट करके उसके अंदर वो सेटिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसको ले जाएंगे आ, मोड दबा के तीन दफ़ा टाइमिंग के ऊपर टाइमिंग पर जब आज ये आज का ब्लिंक कर रहा होगा तो आपने सेट दबाना है जब आप सेट दबाएंगे तो आपसे ये सबसे पहले अपना टाइम सेट कराएगा अभी का जो रियल टाइम हो रहा है ये सेट करने के बाद ये आपके पास लाइट आ गई टाइमिंग स्टार्ट वाटर अब जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें ऐट ओ का टाइम आ रहा है इसको आप कोई भी दिन में दिन का टाइम सेट कर सकते हैं ये आपका पहले पहला टाइम है तो सपोज़ अगर आप नहाते हैं सुबह ऑफिस जाते हैं सुबह आठ बजे आप नहाते हैं तो आप चाहते हैं कि सात बजे पानी इसमें भर जाएगी इधर के अंदर तो आप इसमें सात बजे टाइम सेट कर दें अभी आपसे पूछ रहा है कि कितना आपने पानी भरना है तो आप उसमें 80 सेट कर सकते हैं 50 सेट कर सकते हैं 100 सेट कर सकते हैं तो सपोज़ हम इसको 100 सेट कर लेते हैं कि जब आप सात बजे नहाने के लिए उठेंगे तो सात बजे पानी 100 परसेंट गीज़र के अंदर फुल हो जाए सेकेंड कोई आपके घर में दस बजे नहाता है या आठ बजे नहाता है तो आप उसके हिसाब से सेट कर लें कि आठ बजे आप चाहते हैं कि पानी की टंकी दोबारा फिल हो जाए इसमें आप कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल आपको दी जा रही है और ये सब अगेन आप इसको 100 परसेंट कर दें तीसरा टाइम आप सेट कर लें मगरब से भी पहले का टाइम सेट कर लें या असर के टाइम का भी सेट कर लें ताकि जाते जाते मगरब के टाइम आपको गीज़र में पानी फुल हो जाए और आपको दो एक घंटे उसको मिल जाए पानी को फिल करने के लिए अब इसमें आप तीन बजे का टाइम सेट कर लेते हैं और इसको 100 परसेंट कर लेते हैं ये अब आपकी टाइमिंग पे सेट हो गई है पानी के इनलेट की अभी आपसे पूछ रहा है टाइमिंग हीटिंग पहला सुबह आठ बजे आप नहाते हैं सपोज़ तो आठ बजे आप कर लें जी हमें फिफ्टी डिग्री फिफ्टी फाइव डिग्री सिक्सटी कोई भी आप सेट कर सकते हैं इसमें थर्टी से एटी तक की रेंज में तो हम सेट कर लेते हैं फिफ्टी डिग्री पहला टाइम सेकेंड टाइम जैसे आपके घर में कोई भी नहाता है दस बजे सपोज़ नहाता है तो हम इसको कर लेते हैं जी दस बजे हमें पानी चाहिए सेट दबाएंगे सेट दबाने के बाद ये आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है आप इसको टेम्परेचर दे दें दे, 55 डिग्री या आपकी मर्ज़ी जो मर्जी आपका टेम्परेचर आपने सेट करना है थर्ड टाइम आप पूछ रहे हैं थर्ड टाइम आप कर सकते हैं इसमें क्योंकि धूप चली गई है सपोज़ जाहिर वैसे जाहिर है आप आ, कोई अपना मीटर के हिसाब से टाइम देख लें कि आपका जो यूनिट पीक आवर्स हैं वो किस टाइम ख़त्म हो रहे हैं जब पीक आवर्स ख़त्म हो रहे हैं तो उसके बाद का टाइम दे दें जाहिर है आपने बिजली बचानी है अपने बिल बचाना है तो तीसरा टाइम जब आप इसमें देंगे तो वो सपोज़ आप सात बजे का दे दें सात बजे या आठ बजे का दे दें आठ बजे आप चाहते हैं कि इसमें टेम्परेचर सेवेंटी डिग्री हो जाए और पूरी रात वो क्योंकि गर्म रखने की कैपेबिलिटी है इस गीज़र के अंदर तो वो आठ हो जाए आपको सेवेंटी डिग्री पानी करके देगा बस ये टोटल ये टाइमिंग की सेटिंग है और आ, मुश्किल कुछ भी नहीं आसान है अगर आपको कोई आ, कहीं पे आप स्टक होते हैं कहीं पर आप कहीं पे फंसते हैं इसको सेट करने में तो आप हमारे से पूछ सकते हैं आ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा हमारी ईमेल मिल जाएगी और हमारा लैंडलाइन मिल जाएगा तो आप कहीं भी फ़ोन करके हमारे से कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं Thank you.